हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है किडनी। पिछले वीडियो में हमने किडनी का एनाटॉमी पढ़ाया था। अब एनाटॉमी और इसके जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है नेफ्रॉन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कि ये कोई पढ़ाने के बेसिस से नहीं है, ये प्रिपरेशन है, रिविजन के बेसिस से है, मेनली जो नीट और पीजी देने जा रहे हैं उसके लिए। ठीक है, किडनी किडनी अगर बात करें तो होता क्या है? ये एक बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है। बीन शेप कहने का क्या मतलब है? जो राजमा होता है ना, उसके स्ट्रक्चर उसके जैसा होता है। ठीक है, ये होता कहाँ से कहाँ तक है? तो सॉरी, यहाँ पे L3 होगा, T12 से लेके L3 तक ये होता है। ठीक है, ये स्लाइटली फ्लैट होता है। और इसका अगर वेट की बात करें तो मेल में 120 से 170 ग्राम और फीमेल में 120 से 135 ग्राम तक होता है। ठीक है, जो हमारा हार्ट है ना, मान लीजिए हमारा हार्ट है, हार्ट से कितने टाइम्स इसमें ब्लड जाता है? तो एक दिन में 25 से 30 टाइम्स ब्लड यहाँ पे जाता है फिल्टरेट होने के लिए। तो कितना फिल्टरेट करता है? तो 180 लीटर मेनली हमारा किडनी हर दिन फिल्टर करता है ब्लड को। ठीक है, तो अब इसका पहले इम्ब्रायलॉजी, कोई भी चीज़ें इम्ब्रायलॉजी से स्टार्ट करना चाहिए। तो आपको पता है इम्ब्रोनिक डिस्क में ये क्या होता है? एपिब्लास्ट होता है, ये होता है हाइपोब्लास्ट। एपिब्लास्ट में कॉल्यूमनर ये सेल होते हैं और हाइपोब्लास्ट में क्यूबॉइडल शेप होते हैं। ठीक है, इसके बीच में नोटोकॉर्ड होता है, इसके दोनों तरफ इंट्रा इम्ब्रोनिक मेजोडर्म होता है। इंट्रा इम्ब्रोनिक मेजोडर्म तीन भाग में डिवाइड होता है, ये होता है पैराएक्सियल, ये होता है इंटरमीडिएट और ये होता है लेटरल प्रोसेस। जो हमारा किडनी का फॉर्मेशन होता है ना, वो ये इंटरमीडिएट से होता है। इसमें होता है नेफ्रोजेनिक कोड, जिससे मेनली हमारा ये किडनी का डेवलपमेंट होता है। इंटरमीडिएट से मेनली दो चीज़ें डेवलप होता है, एक तो यूरिनरी सिस्टम और दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी हम क्या पे डिस्कशन कर रहे हैं? यूरिनरी सिस्टम पे। मेनली थर्ड वीक में ग्रेस्टुलेशन होता है, लेकिन जो किडनी का फॉर्मेशन है वो फोर्थ वीक में स्टार्ट होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब किडनी का डेवलपमेंट होता किससे है? तो किडनी का डेवलपमेंट मेनली होता है स्टार्टिंग में फोर्थ वीक में, पहले प्रोनेफ्रॉन बनता है। उसके बाद प्रोनेफ्रॉन क्या करता है? ये पहले डक्ट बनाता है और डक्टियल्स बनाता है। डक्टियल्स इसके रीजनरेट हो जाते हैं और डक्ट के नीचे फिर से मेजोनेफ्रिक डक्ट बनता है। मेजोनेफ्रिक का डक्टियल्स भी क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाता है। उसके नीचे फिर हमारा आता है ये मेटानेफ्रिक। तो ये क्या हो गया? प्रोनेफ्रिक नेफ्रॉन हो गया, फिर मेजोनेफ्रॉन हो गया, फिर मेटानेफ्रॉन हो गया। ये जो मेटानेफ्रॉन है, ये ही हमारा फाइनल या परमानेंट किडनी का डेवलपमेंट करता है। प्रोनेफ्रॉन सर्विकल लीजन में होता है। ठीक है, ये 9 से 10 ग्रुप होते हैं, नॉन फंक्शनल होता है, इसलिए डिसअपियर कर जाता है। मेजोनेफ्रॉन ये ट्यूबल्स जो है ना, वो इसका फॉर्मेशन मेनली करता है। और ये जाके मिलता कहाँ से? क्लोकल मेम्ब्रेन से मिलता है। मेटानेफ्रॉन परमानेंट किडनी का डेवलपमेंट करता है। मेनली ये जो होता है ना मेजोनेफ्रॉन, फीमेल में डीजनरेट कर जाता है, लेकिन मेल में रह जाता है। क्योंकि ये मेल में क्यों रह जाता है? क्योंकि ये मेल जेनाइटल एरिया का फॉर्मेशन करता है, मेल जेनाइटल ऑर्गन का, जैसे कि टेस्टिस ये सब का फॉर्मेशन करता है। वुमेन में ये क्या होता है? एंटीमुलेरियन से इसका क्या हो जाता है? डिजनरेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, इस तरह से मेजोनेफ्रिक टिश्यू आ रहा है। यहाँ पर हमारा क्या होता है? मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा होता है, जिससे मेली फॉर्मेशन होता है किडनी का। और ये जो है यूटेरिक बड, उससे मेली फॉर्मेशन होता है ये कलेक्टिंग ट्यूबुल्स का। कलेक्टिंग ट्यूबुल्स कहने का क्या मतलब है? तो देखिए आते हैं कलेक्टिंग ट्यूबुल्स का। कलेक्टिंग ट्यूबुल्स में आता है हमारा यूरेटर, रीनल पेल्विस, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स और कलेक्टिंग डक्ट। अब आपको ये स्ट्रक्चर नया लग रहा होगा, अभी है ना तो में ये सारे स्ट्रक्चर को डील करेंगे। पहले याद कर लीजिए कहाँ से लेके कहाँ तक। तो मेनली माइनर कैलिक्स से लेके पूरा ये यूरेटर तक क्या होता है? तो वो होता है, बनता है यूरेटिक पथ से। ठीक है, चलिए अब थोड़ा बुक से देख लेते हैं, बुक में क्या कह रहा है इसका एम्ब्रायोलॉजी का। तो इसका डेवलपमेंट इंटरमीडिएट मेजोडर्म से होता है, हमने पढ़ लिया ये। ठीक है, इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है मेनली टू यूटेरिक बड से। अब दो किडनी हैं तो यूटेरिक बड भी कितने होंगे? दो होंगे। ठीक है, ये जो यूटेरिक बड है वो पेनिट्रेट करता है कहाँ पे? तो ये
यूट्रस कहाँ से निकलता है? किडनी से। तो किडनी में ही पेनिट्रेट करेगा ना। किडनी का डेवलपमेंट किससे होता है? नेफ्रिक ब्लास्टेमा से होता है, तो वहाँ पर वो पेनिट्रेट करता है। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मेशन इसका भी है ना, इसके डेवलपमेंट में कुछ जीन होते हैं जो इसको प्रमोट करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जो कंट्रोल करते हैं रीनल नेफ्रोजिनेसिस को। तो जो इतेरिक बर्ड का इंडक्शन और कंडेंसेशन होता है उसको मेनली इतना जीन के द्वारा क्या किया जाता है, ये कंट्रोल किया जाता है। प्री ट्यूबुलर जो एग्रीगेशन होता है उसको ये तीनों जीन से मेनली कंट्रोल किया जाता है। फिर ये कॉमा कॉमा शेप हो जाते हैं, फिर ये एस शेप में आते हैं, फिर कैपिलरी लूप में आते हैं, और फिर मैच्योर ग्रोमलर्स बन जाते हैं। तो इस तरह से नेफ्रोजिनेसिस होता है, और ये सब जो जीन है इनके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए किडनी का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं। किडनी में सबसे ऊपर क्या होता है ना, इस तरह से एक फाइबरस टिश्यू होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये गेरोता फैसिया कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? गेरोता फैसिया कहते हैं। जो ये जिसके अंदर क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है और हमारा किडनी दोनों प्रेजेंट होता है। कोई भी चीज़ अगर किडनी के अंदर जाना है तो वो जाएगा हाइलम के थ्रू। किसके थ्रू? हाइलम के थ्रू। कोई भी चीज़ जाना है या निकलना है तो वो निकलेगा हाइलम के थ्रू। अब देखिए ये क्या है, जो गेरोता फैसिया है उसके नीचे क्या पाए जाते हैं? फैट का लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए किडनी के बारे में डिस्कशन करते हैं। किडनी, जब किडनी की बात करें तो ये एक बीन शेप का ऑर्गन होता है, जो जिसका लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। ये जो है ना, ये चेंज, कोई कहते हैं 10, कोई कहते हैं 11, तो ऐसे ये एवरेज समझ लीजिए। मैंने तो ऐसे याद किया है, 10 सेंटीमीटर, 10 का आधा 5 सेंटीमीटर बीर्थ होता है, और उससे कम 3 से 4 क्या होते हैं, थिकनेस होता है। तो ये अलग जगह अलग अलग देखने को मिलेगा। वेट की बात करें तो 150 ग्राम मिली होता है। लोकेशन, लोकेशन ये होता कहाँ है? क्या ये आगे होता है या पीछे होता है? इसका लोकेशन पीछे होता है, याद रखिएगा। जब भी अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम होगा और उसके कारण जो पेन होगा वो एब्डोमेन में नहीं होगा, वो होगा प्लैंक पेन। अब प्लैंक पेन कहने का क्या मतलब है? प्लैंक पेन जो पीठ होता है ना, पेट वाला बात, लेकिन वो पीछे में, उसको हम कहते हैं प्लैंक पेन। ठीक है, तो वहाँ पर ही होता है। तो ये मेनली वर्टिब्रल कॉलम के एक साइड में एक किडनी और दूसरे साइड में दूसरा किडनी होता है। ये डायफ्राम के नीचे होता है। अब दो किडनी होता है, एक राइट में एक लेफ्ट में। तो राइट वाला जो होता है ना वो लीवर के अंदर होता है, और लेफ्ट वाला किसके अंदर होता है? तो स्प्लीन के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद इसका लोकेशन तो मैंने पहले ही बता दिया है। ये अगर कोई पूछेगा कि ये कहाँ पे रहता है, तो रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में रहता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी है इसका, इधर से काटे और ऊपर से देखे तो इस तरह से रहता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे मान लीजिए कि ये बीच में वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये किडनी इधर रहेंगी और इधर रहेंगे, यहाँ पर क्या रहता है? पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम के पीछे पाया जाता है। अगर इसका फंक्शन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है, उसके बाद ये इलिथ्रोपोएटिन और रेनिन के सेक्रिएशन और प्रोडक्शन करता है। ठीक है, चलिए अब इसका देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो ये जो सबसे ऊपर जो होता है ना, उसको हम कहते हैं आउटर फाइब्रस कैप्सूल, जो सिर्फ सराउंड करता है किडनी का। जो पिछले बार बताए थे फाइब्रस टिश्यू, वो किडनी और रीनल, सुप्रा रीनल दोनों को करता है। अब सुप्रा रीनल होता क्या है बता देते हैं। किडनी है ना, किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। ये किडनी को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम है रीनल, तब उसके ऊपर पाया जाता है, इसलिए एड्रिनल ग्लैंड को हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। फाइब्रस कैप्सूल जो सराउंड करता है किडनी को। उसके बाद कॉर्टेक्स, ऐसे कर दीजिए, मान लीजिए ये हमारा किडनी है तो इस तरह से हाफ में डिवाइड कर दीजिए। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, इसमें रेडिश ब्राउन होता है। और जो इनर पार्ट है, अभी जो इनर में भी कैसा होगा, इस तरह का ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बना रहेगा। ये सिर्फ पिरामिड जो है ना उसी को मेदुला कहते हैं। पिरामिड के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी कॉर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करता है, कोन शेप का स्ट्रक्चर बनाता है। इसके जो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, उसी में मेनली फिल्ट्रेशन का काम होता है। पिरामिड जो शेप होता है, मतलब जो मेदुला होगा वो पेल कलर का होगा, मतलब जितना ब्राउन होना चाहिए, जितना ब्राउन कॉर्टेक्स होता है उतना
ब्राउन नहीं होता है। हाइलम एक कनकेव फोल्ड, ये कनकेव बॉर्डर है जिसके द्वारा ही रीनल आर्टरी इंटर करता है, रीनल वेन निकलता है और यूट्रस लीव करता है किडनी को। यूरिन फॉर्मेशन, मेनली जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो इस तरह से समझ लीजिए, मान लीजिए कि हमारा पिरामिड है, ठीक है। पिरामिड में यहाँ पर मान लीजिए कि क्या है, ग्लोमेरुल्स हैं इस तरह से ग्लोमेरुल्स हैं, फिर ये नीचे जाते हैं, ये जो ट्यूब रहता है फिर इस तरह से यहाँ पे आ जाता है डीसीटी और फिर वो नीचे चला जाता है कलेक्टिंग ट्यूब से, फिर इस तरह से बाहर निकलता है। तो इसमें जो है ना कुछ पात, ये हमारा नेफ्रॉन है, तब कुछ पात जो होता है कॉर्टेक्स में होते हैं और कुछ पात होता है हमारा ये मेदुला में, ठीक है। इसलिए जो ये पिरामिड का स्ट्रक्चर है ना इस तरह से दिखता है लाइन लाइन वाइज। अब देखिए जो कहना चाह रहे हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है, पिरामिड है, इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन हैं, ये पिरामिड इस तरह से बाहर निकल रहा है, दो बना देती हूँ, इस तरह से बाहर निकल रहा है। यहाँ ये जो निकल रहा है ना इसको माइनर कैलिक्स कहते हैं। अब ये दो तीन किडनी मिलके इस तरह से मिल जाता है, दो तीन पिरामिड, और इसको हम मेजर कैलिक्स कहते हैं। अब दो तीन मेजर कैलिक्स, दो तीन नहीं बहुत सारे मेजर कैलिक्स मिलके जो एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है ये याद रखिए, तो इस तरह से क्या है हमारा ये मेडुलरी पिरामिड है, यहाँ पर जो पात आया उसको हम कहेंगे रीनल पैपिला, इससे फिर जो इस तरह से निकल रहा है उसको माइनर कैलिक्स, फिर माइनर दो तीन माइनर कैलिक्स मिलेगा और बनाएगा मेजर कैलिक्स, और उसके बाद बनता है रीनल पेल्विस। पेल्विस का दूसरा नाम ग्रीक वर्ड में है बेसिन, जो हम देखते हैं पूरा कचरा ये सब एक जगह करके और फिर उसको बाहर निकालने का काम करता है, तो यूरेटर के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। वही कह रहा है यूरिन कहाँ बनता है, तो यूरिन बन जाता है वो निकलता है, पहले जाता है माइनर कैलिक्स में, फिर मेजर कैलिक्स में, फिर पेल्विस में, और पेल्विस से फिर वो यूरेटस में चला जाता है। ब्लड सप्लाई टू किडनी, इसमें मेनली क्या होता है ना, ये किडनी दो तरफ होता है, राइट और लेफ्ट। तो सबसे पहले हम बताते हैं आर्टरी के बारे में। आर्टरी में हमारा क्या होता है, लीवर होता है, तो लीवर के थ्रू असेंडिंग अरोता नीचे की ओर आता है, असेंडिंग अरोता नीचे की ओर आता है, और यहाँ से हमारा निकलता है एक पात जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी। अब ये रीनल आर्टरी के थ्रू अब ये क्या हुआ, किडनी में इंटर किया, तो सबसे पहले क्या होगा, तो ये जाएगा सिगमेंटेड आर्टरी, फिर ये टूथ के बनेगा इंटरलोबुलर आर्टरी, फिर वो टूथ के बनेगा आर्कुलेट आर्टरी, फिर वो टूथ के बनेगा इंटरलोबुलर आर्टरी, और फाइनली एफरेंट आर्टरी के थ्रू ये इंटर कर जाएगा ग्लोमेरुल्स में, ठीक है। इस तरह से इसका होता है, ये मेनली 20% पूरे कार्डिक आउटपुट का ब्लड रिसीव करता है। अब जब वेनस की बात करें तो वेनस में क्या होगा, जैसे कि हमारा ये आल्ट्रियोल्स आ रहे हैं, यहाँ पे कैपिलरी बन रहा है, इस तरह से यहाँ पे वेन निकल रहा है, वेनियोल्स तो नहीं निकलता है, पहले से इधर से एफरेंट आल्ट्रियोल आता है, इधर से इफरेंट आल्ट्रियोल निकलता है, ये इफरेंट आल्ट्रियोल बाद में जाके रीनल वेन से मिलता है, और रीनल वेन बाद में इन्फीरियर वेना कावा से ड्रेन होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका मेनली काम होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो रीनल आर्टरी है वो कहाँ, किसका ब्रांच है, तो अरोता का ब्रांच है, कहाँ पर ये होता है मेनली, तो L1 और L2 पे लाई होता है, बिहाइंड द पैनक्रियाज और लीनर वेन। ये भी याद रखिए, सबसे ऊपर क्या होता है, रीनल वेन होता है, उसके नीचे रीनल आर्टरी होता है, और उसके नीचे रीनल पेल्विस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू वो इंटर करता है, वो इंटर करता है, वो होल को हाइलम करते हैं, लेकिन नीचे जो, जैसे कि देखें ये क्या हो गया हमारा, ये होल हाइलम हो गया, लेकिन यहाँ से क्या, कौन सा पात स्टार्ट हो जाता है, रीनल पेल्विस का स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे ऊपर वेन, फिर आर्टरी और फिर रीनल पेल्विस, ठीक है। इन अब जो हाइलम है उससे एंट्री किसका किसका पहले होगा, तो एंटीरियरली में एंट्री होगा एपिकल, अपर, मिडिल और लोअर सेगमेंट का, पोस्टीरियर में पोस्टीरियर सेगमेंट का, और ये दोनों सेगमेंट पे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता है। अब इसके बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम का, क्या कहा, लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक जो सिस्टम है उसमें मेनली पारा एरोटिक नोड L1 या L2 पे रहते हैं,
जो सर अपर किडनी का जो सरफेस होता है वो ड्रेन होता है किधर की ओर, डायफ्राम की ओर, और फिर वो चला जाता है पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में। ठीक है, तो वेनस हो गया। अब आते हैं इसका पोजीशन में, एंटीरियर रिलेशनशिप, पोस्टीरियर रिलेशनशिप और मीडियल रिलेशनशिप में। ठीक है, तो उससे पहले हम इनर्वेशन की बात करते हैं। कौन सा नर्व इसमें आके इनर्वेट होता है? तो सिंपेथेटिक नर्व। इसमें प्री गैंग्लियोनिक सेल जाता है कहाँ तक? तो T12 से L1 तक। वहाँ से फाइब्रस निकलता है थोरेसिक और लंबर स्प्लेक्निक नर्व का। दूसरा पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल सिलियक लिनल और सुप्रा हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस तक जाता है। तीसरा वैसो मोटर फंक्शन ये करता है। ठीक है, अब कोई पूछे कि राइट साइड का बता रही हूँ तो किडनी के एंटीरियर में क्या क्या होता है? तो किडनी के आगे में लीवर का इन्फीरियर सरफेस, डुओडेनम का डिसेंडिंग पाथ, राइट कोलिक फ्लेक्सस। कोलिक फ्लेक्सस कहने का क्या मतलब है? फ्लेक्सस मतलब मुड़ाव, जैसे कि हमारे यह स्मॉल इंटेस्टाइन है इस तरह से मुड़ा। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से लीवर है, तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? राइट कोलिक फ्लेक्सस या लीवर का ही दूसरा नाम राइट हेपेटिक फ्लेक्सस कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। और क्या होंगे? तो स्मॉल इंटेस्टाइन नीचे होगा और पेरिटोनियम होगा। ठीक है, आगे की ओर, क्योंकि क्योंकि देखिए ये हमारा क्या है, इस तरह से बताए थे, ये हमारा वेल्टिबुलर कॉलम है, इधर हमारा किडनी है, और यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर पेरिटोनियम होता है। तो किडनी के तो आगे ही पेरिटोनियम हुआ ना। ठीक है, पोजीशन और रिलेशन। मीडियल में क्या होता है? लेफ्ट किडनी होते हैं, मीडियल लेफ्ट में लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड होता है, और मीडियल राइट में मेनली इन्फीरियर वेना कावा, राइट एड्रिनल ग्लैंड का जो वेज होता है सुपीरियर पोल के बीच का वो पाया जाता है। ठीक है, सरफेस एनाटोमी। सरफेस एनाटोमी में मेनली जो सुपीरियर पोल है वो प्रोटेक्ट किया जाता है रिब 11 और 12 से, और ये एक्सटेंड होता है T12 से L3 वर्टिब्रल बॉडीज तक। ये मूव करता है 2 सेंटीमीटर ऊपर जब रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन में जब इंस्पिरेशन होता है तो ये 2 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है, जब एक्सपायरेशन होता है तो 2 सेंटीमीटर ऊपर आ जाता है। जो राइट वाला पाथ होता है, राइट वाला किडनी होता है वो थोड़ा नीचे होता है, लेफ्ट वाला किडनी ऊपर होता है। क्यों? तो क्योंकि लीवर के कारण, इसलिए कहा जाता है राइट किडनी बिलो द ट्रांसपायलोरिक लाइन होता है 5 सेंटीमीटर राइट टू द मिड लाइन, और जो इन्फीरियर पोल होता है वो मेनली फिंगर विड्थ सुपीरियर टू द लाइटेरियर क्रिस्ट होता है, और जो लेफ्ट पाथ होता है वो ट्रांसपायलोरिक प्लेन के ऊपर होता है, और ये भी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस सेम है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं इसका कौन सा पाथ, तो एंटीरियर लेफ्ट पाथ। राइट पाथ का तो बता दिया, अब लेफ्ट पाथ। लेफ्ट पाथ में मेनली ये पैनक्रियाज और स्प्लीन के बीच में होता है, मतलब ये जो स्टोमक है उसके बेद की तरह काम करता है। एड्रिनल ग्लैंड को उसके ऊपर होता है तो वो तो होगा ही, स्टोमक, स्प्लीन, पेनक्रियाज का तेल, उसके बाद जेजिनम, डिसेंडिंग कॉलन, उसके बाद पोस्टीरियर वॉल ऑफ ओमेंटम बुर्सा और पेरिटोनियम होता है। ठीक है, अब इसका जो पोजीशन है वो पोस्टीरियर में क्या क्या होगा? तो डायफ्राम, पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेटस, लंबोरम, सोरास मेजर, उसके बाद ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, सब कोस्टल नर्व और वेसल्स, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और हीलियो इनग्यूनल नर्व, ये सब मेनली देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसका पोजीशन और रिलेशन में मेनली इसमें क्या होता है? मास ऑफ फैट होते हैं जिसको पेरी नेफ्रिक फैट कहते हैं, और फैसिया होता है, ये रेट्रोपेरिटोनियल होता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल के अगेंस्ट में। इसमें जो फैटी रीनल कैप्सूल होते हैं उस वो कवर होता है फाइब्रो एल्विओलर टिश्यू को, जिसको हम रीनल फैसिया कहते हैं। रीनल फैसिया इंक्लोज करता है किडनी को, कैसे? तो बाई फाइब्रस और फैटी कैप्सूल से, जिसके कारण ऑर्गन अपने पोजीशन पे रहता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होते हैं? तो डायफ्राम का इन्फीरियर वाला पाथ होता है, और इसमें मेनली एब्डोमिनल अरोता और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड सप्लाई होते हैं। ठीक है, अब चलिए आते हैं इसका कौन सा पाथ पे, तो इसके जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसको हम क्या कहते हैं?
नहीं, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में अगर कोई पूछेगा कि नेफ्रॉन कितने होते हैं, अगर एक किडनी में नेफ्रॉन मिली 1 मिलियन होते हैं, 1 मिलियन या 1.25 मिलियन, और दोनों किडनी मिला के 2 से 2.5 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यूनिट क्या है, तो ये उसके बारे में हम अभी समझते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ लिए, अब आते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का क्या काम होता है, तो मेनली नेफ्रॉन बना हुआ, पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले इधर से क्या होते हैं, इफरेंट, इधर से क्या होता है, अफरेंट आल्त्रियोल आता है, यहाँ पर कैपिलरी बनाता है इस तरह से, ठीक है, और फिर ये इफरेंट आल्त्रियोल बाहर निकल जाता है। अब ये अफरेंट और इफरेंट पे ये जो कैपिलरी बनाता है ना, इसमें याद रखिएगा एक सेल प्रेजेंट होता है जिसको मिसेंगियल सेल कहते हैं, सबको एक एक करके पढ़ाएंगे, उसके पहले ये समझ लीजिए। उसके बाद इसके नीचे इस तरह से फूत, इस तरह से क्या प्रेजेंट होता है, एपिथीलियम प्रेजेंट होता है। ये एपिथीलियम को हम क्या कहते हैं, इसको हम भीसलर एपिथीलियम कहते हैं। उसके बाद इस तरह से पेराइटल एपिथीलियम प्रेजेंट होता है, फिर नीचे जाके इस तरह से फिर प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स निकालने लगता है। तो इस पूरे को क्या कहते हैं, इस पूरे को हम कहते हैं ग्रोमेरुल्स। और इसके पहले एक चीज़ और बता देती हूँ, ये बीच में क्या होता है ना, किसके बीच में, कैपिलरी और ये जो भीसरा एपिथेलियम है इसके बीच में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब अगर यहाँ पर का कोई स्ट्रक्चर पूछे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, इंडोथेलियम हो जाएगा, ये इंडोथेलियम है ना, ठीक है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगा, और फिर हो जाएगा हमारा विसरल एपिथीलियम। ठीक है, ये तीनों मेली फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है, ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा एफरेंट आल्त्रियोल आ रहे हैं, इधर से एफरेंट आल्त्रियोल निकल रहा है, बीच में क्या हो रहा है, तो कैपिलरी बढ़ रहा है। ठीक है, कैपिलरी के नीचे ये क्या है, विसरल एपिथीलियम है, और ये पेराइटल एपिथीलियम है। और विसरल पेरिटेन एपिथीलियम में क्या होता है, फूड प्लेट होता है। क्यों होता है आगे जाके बताऊंगी, टेंशन नहीं लीजिए। और ये सारे पात को हम क्या कहते हैं, ग्रोमुलर्स कहते हैं, जिसमें कैपिलरी प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लस मेसेंगियम। ठीक है, अब ये वुमेंस कैप्सूल क्या होता है, ये जो विसरल एपिथीलियम है और ये जो पेराइटल एपिथीलियम है, ये बना के यहाँ पर जो स्पेस होता है ना, ये जो कैप्सूल होता है उसी को हम वुमेंस कैप्सूल कहते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा नॉलेज हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो ब्रांच ऑफ कैपिलरी है ना, इसको हम ग्लोमुलर कैपिलरी टफ्ट कहते हैं। यहाँ पे जो कैपिलरी है इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमुलर कैपिलरी टफ्ट कहते हैं। ठीक है, और ये जो विसलर एपिथेलियम है इसी को हम पोडोसाइट कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर बीच में पोर्स बने रहते हैं जिसके थ्रू ये फिल्टर होता है। ठीक है, इसको डायफ्राम भी कहा जाता है। किसका डायफ्राम, तो नेफ्रॉन पर रहे तो नेफ्रॉन का डायफ्राम कहा जाता है। अब जो ये सेल प्रेजेंट होता है ना जिस स्थिति में, जिसको हम क्या कहे थे, मेसेंगियल सेल, इसको क्या कहा जाता है, ये हेल्प करता है, बहुत सारे फंक्शन इसके होते हैं। इसका सबसे बड़ा फंक्शन है कि ये लॉट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पर ये समझ गए कि ये क्या है, अफरेंट आल्त्रियोल है, ये इफरेंट आल्त्रियोल है, इफरेंट आल्त्रियोल कहाँ चला जाएगा, रीनल वेन में चला जाएगा, रीनल वेन से ये ड्रेन हो जाएगा इन्फीरियर वेना काभा में। तो इस तरह से समझने में कोई भी चीज़ नहीं, और ये बीच में जो होता है यहाँ पर ही फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो फिल्ट्रेशन का काम कैसे होता है, तो चलिए पहले इसको हम थोड़ा काट लेते हैं। तो सबसे ऊपर में क्या मिलेगा, इस तरह से ये मान लीजिए इंडोथेलियम है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी बीच में इस तरह का डेंस स्ट्रक्चर होता है जो कोलाजन का बना होता है, अभी इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और नीचे में हमारा क्या है, विसरल एपिथीलियम है। ठीक है, तो चलिए ये इंडोथेलियम है ना, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे होल्स होते हैं जिसको हम फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी कहते हैं। और ये जो होल है उसका साइज होता है 70 से 100 नैनोमीटर। ठीक है, सेंट्रल एरिया में क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के सेंट्रल एरिया में क्या होता है, एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं लैमिना डेंसा। अब ये लैमिना डेंसा क्या होता है, तो इसको हम मेनली
इलेक्ट्रॉन डेंस कहते हैं। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, माइनस चार्ज होता है, और ये कोलाजन टाइप 4 का बना होता है। ये होता कैसा है तो देखिए, मान लीजिए कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बीच में इस तरह का डेंस स्ट्रक्चर है। ये जो है टाइप 4 कोलाजन का बना होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्रिपल हेलिक्स होते हैं, इसमें ट्रिपल हेलिक्स और पेप्टाइड्स हैं। ये इस तरह से ऐसे निकला हुआ रहता है। ये क्या होता है तो ये नन कोलाजिनस पाथ है, जिसको हम ग्लोबुलर कंपोनेंट कहते हैं। ये जो ग्लोबुलर कंपोनेंट है ये पूरा इस तरह से माइनस 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 पोली अनायन चार्ज होते हैं। ये भी आगे बताएंगे क्यों ये पोली अनायन चार्ज होते हैं, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो ग्लोमुलर या नन कोलाजिनस कंपोनेंट है, इसमें जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है उसको एंटी जी बी एम एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। और ये एंटी जी बी एम एंटीबॉडी अगर नॉर्मल है तो सही है, लेकिन अगर एबनॉर्मल है तो इसके कारण दो चीज़ होते हैं। ये एंटी जी बी एम बॉडी सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ये किडनी में ही नहीं पाया जाता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ लंग में भी पाया जाता है। तो अगर कोई पेशेंट आएगा जिसको कफ करने पे क्या होता है, खून आते हैं, और उसके पोती में भी, सॉरी पोती नहीं, हेमेटूरिया यूरिन में भी खून आता है, तो ये आपके लिए अच्छा है या ख़राब है? ख़राब है ना, लेकिन साइंटिस्ट ने इसका क्या नाम रखा है इस डिजीज का, गुड पाचर सिंड्रोम रखा है, जिसमें हेमेटूरिया और हेमोप्टेसिस देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि एक एंटी जी बी एम एंटीबॉडी है जो प्रेजेंट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का लीवर में, सॉरी लंग में और किडनी में। इसलिए अगर इसमें अफेक्ट होगा तो ये दोनों जगह अफेक्ट करेगा, क्योंकि रिसेप्टर तो सेम रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये जो ट्रिपल अल्फा चेन है इस तरह का, उसमें अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं हेरिडेटरी नेफ्राइटिस। तो अभी तक हमने दो क्लिनिकल पढ़ लिया, हेरिडेटरी नेफ्राइटिस और गुड पाचर सिंड्रोम। ठीक है, अब फिर से हम आ जाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन में। बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमने क्या देखा, बीच वाला जो पाथ था उसको हम डेंसा कहते हैं। डेंसा का उल्टा क्या होता है, रेयलर। बाकी ये दोनों जो पाथ है उसको हम लेयरर कहते हैं। तो ये अंदर की ओर है इसलिए इसको इंटरना कहते हैं और इसको एक्सटरना कहते हैं। ठीक है, इंटरना जो होगा वो इंडोथेलियम की तरफ होगा, एक्सटरना जो एपिथेलियम की तरफ होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इंडोथेलियम होता है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन का, वो उसमें निगेटिव चार्ज होते हैं। तो निगेटिव चार्ज होता कहाँ कहाँ पे है तो देखिए, एक तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में निगेटिव चार्ज होता है, इंडोथेलियम में निगेटिव चार्ज होता है, और एपिथेलियम में निगेटिव चार्ज होता है। और ये निगेटिव चार्ज होता क्यों है तो एक सियालोग्लाइकोप्रोटीन होता है उसके कारण, और भी सारे हैं लेकिन मेनली ये सियालोग्लाइकोप्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, तो इतना तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम इसके ये स्ट्रक्चर को समझ गए। अब ये फिल्ट्रेशन कैसे करता है ये देखते हैं। तो इसका फिल्ट्रेशन में जो मेन होता है ना वो साइज बैरियर होता है, मतलब कि जैसे कि हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ऊपर में इंडोथेलियम के पोर्स थे, ये जो पोर्स थे कितने थे, 70 से 100 नैनोमीटर। ठीक है, और ये जो इसके नीचे क्या थे, इस तरह से फूट प्लेट है, और ये विसरल एपिथेलियम है। विसरल एपिथेलियम के बीच में इस तरह से डायफ्राम होता है, इसका फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं। और ये कितने का होता है, कितना इसका साइज होता है, 20 से 30 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जितना साइज है, अगर कोई होल है वो होल से छोटा रहेगा तो वो चीज़ कोई भी चीज़ आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन अगर होल से बड़ा चीज़ रहा तो वो तो अटक जाएगा ना। तो इसलिए फिल्ट्रेशन के लिए पहले ये जान लीजिए कि कितने लेयर होते हैं। तो अगर लेयर की बात करें तो इंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, जिसको हम फेनिस्ट्रेशन कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा क्या है, विसरल एपिथेलियम, जिसको हम फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं। ठीक है, और ये फिल्ट्रेशन स्लिट में डायफ्राम होता है जिसको हम नेफ्रिन भी कहते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लिया है डेक्सट्रॉन का, जिसका बहुत सारे साइज होता है। तो जो साइज स्मॉलर होगा वो इजीली क्रॉस कर जाएगा, लेकिन लार्जर साइज क्रॉस नहीं कर पाता। तो एक तो समझ गए कि ये साइज बैरियर कैसे है। दूसरा देखिए क्या है ना, इसमें तीन तरह के चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव में भी पाया जाता है, निगेटिव में भी पाया जाता है, और न्यूट्रल में भी पाया जाता है।
तो कौन सबसे पहले होगा? देखिए आपको पता होगा जो लाइक चार्जेज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपने पास आएगा, निगेटिव चार्ज को क्या, दूर भेज देगा। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए हमारा ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर से अगर कोई पॉजिटिव चार्ज जाते रहेगा तो उसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा, उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज जाते रहेगा तो उसको क्या करेगा, रिपल कर देगा, और फिर से वो जो इफेरेंट एल्थ्रियोल है उससे बाहर निकाल देगा। तो इस पे भी डिपेंड करता है, तो पहले सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलते हैं, फिर न्यूट्रल, और सबसे कम निगेटिव चार्ज निकलता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? अब देखिए, मान लीजिए कि तीनों चार्ज हैं, ठीक है, तीनों चार्ज सेम साइज के हैं, तो सबसे पहले कौन सा निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज, फिर न्यूट्रल, और सबसे लास्ट में निगेटिव चार्ज निकलेगा। तो इस तरह से अगर स्मॉलेस्ट बन इसका निमोनिक्स बनाए तो साइज का फिल्ट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, निगेटिव का इन्वर्सली। पॉजिटिव चार्ज को कैटायन कहते हैं और निगेटिव चार्ज को एनायन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? इसलिए जो RBC, WBC और प्लेटलेट, RBC का साइज 7 से 8 माइक्रोन mu होता है, WBC का 12 से 14 और प्लेटलेट का 1 से 2। मेनली इसका साइज बड़ा हो जाने के कारण ये फिल्टर नहीं होता है। लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन आपको पता है ये भी फिल्टर नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। तो जो एल्बुमिन होता है ना उसका साइज छोटा होता है, लेकिन साइज छोटा होने के बावजूद भी ये फिल्टर नहीं होता है, ऐसा क्यों? तो सिंपल एक और लॉजिक याद कर लीजिए, इसका चार्ज भी डिपेंड करता है। तो ये जो एल्बुमिन है इसका नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये फिल्टर नहीं होता है। अब यहीं पे आती है एक बीमारी, मान लीजिए कि आपका यूरिन का लैब टेस्ट हुआ, उसमें बहुत सारे एल्बुमिन मिले। अब ये एल्बुमिन को तो फिल्टर नहीं होना था, तो ये फिल्टर कैसे हुआ? ज़रूर इसमें कोई बीमारी है। तो वो कौन सा बीमारी होगा? मिनिमल चेंजेज इन ग्लोमुलोपैथी। इसमें जो है बहुत सारे एल्बुमिन मिलते हैं यूरिन में, ऐसा होता क्यों है, क्या कोई खराबी है? तो कुछ साइटोकाइनिन है जो एल्बुमिन को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसके कारण ये बाहर फिल्टर हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं? अब एक लास्ट जो बताया था, मेसेंगियल सेल, मेसेंगियल सेल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, जिसके कारण फिल्ट्रेशन में हेल्प मिलता है। ये कॉन्ट्रैक्शन करता किसके थ्रू है, तो एंजियोटेंसिन 2 के द्वारा। फैगोसाइट की तरह काम करता है, प्रोलिफरेशन प्रॉपर्टी इसमें होते हैं, अगर इसके प्रोफरेशन में भी प्रॉब्लम हो जाए तो फिर बाद में ये ऑब्स्ट्रक्शन लाता है। ठीक है,